नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का सवाल है नीट का. क्वेश्चन से द स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी. इट कवर्स डिस्टेंस H1, H2, H3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली. सवाल है, हमें बताना है रिलेशन बिटवीन H1, H2, H3 क्या होएगा, और चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं ना. सवाल सिंपल है, थोड़ी सी यहाँ पे इसको अच्छे से फटाफट स्पीड से करने के लिए थोड़ी सी जुगत लगानी पड़ेगी. पहले सवाल समझते हैं क्या हो रहा है. सो यहाँ पे मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से आपने यहाँ पे किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया. अच्छा, यहाँ पे एज इज ड्रॉप किया है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. एज इज यहाँ पे दे नहीं रखा है कि हमने उसको जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया, लेकिन अगर सवाल में वर्ड इस्तेमाल हुए अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो आप इसको सेफली मान सकते हैं कि वो मोशन अंडर ग्रेविटी है और उसमें आपने इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है ना. उस केस में मान लीजिए पहले 5 सेकेंड में उसने X1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिस इज इन 5 सेकेंड्स, और अगले 5 सेकेंड में मिला के, यानी कि उसको हम 10 सेकेंड कह रहे थे, 10 सेकेंड में उसने X2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और उससे अगले 5 सेकेंड यानी कि 15 सेकेंड में उसने X3 डिस्टेंस ट्रेवल किया है. अपने को जो यहाँ रेशो बताना है वो बताना है, ये वाला तो डिस्टेंस हुआ आपका H1, ये वाला डिस्टेंस हुआ आपका H2, और ये वाला आपका डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक H3. हमें H1, H2, H3 पे कंपेयर करना है. यहाँ पे हम इसको, लेकिन X1, X2, X3 की वैल्यू निकालेंगे. उसका रीज़न ये है कि जब हम अपनी इक्वेशन यूज़ करते हैं S=UT+ ½ AT², उस केस में UT की वैल्यू हम तीनों केसेस में जीरो ले पाएंगे. डायरेक्ट टाइम का फंक्शन आ जाएगा, टाइम अपने को दिया हुआ है, एक्सेलरेशन अपने को पता है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा यहाँ पे. तो अगर हम X1 की वैल्यू निकालें तो आपका जो X1 आएगा दैट विल बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है, दैट विल बी 0+ ½ × -g × आपका टाइम का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर. g की वैल्यू हम 10 रखेंगे, चलो इसको g के टर्म में कर लेते हैं. ऑलराइट, तो ये आ जाएगा आपका 25/2g, और इसकी वैल्यू माइनस साइन के साथ आ जाएगी. माइनस इसलिए बिकॉज इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान रहे हैं. ऑलराइट, ये अपना साइन कन्वेंशन. तो X1 आपका आ गया -25/2g. अगर आप यहाँ से X2 की बात करेंगे, X2 हो जाएगा 0+ ½ −g × 10 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर इसलिए बिकॉज इस पॉइंट से यहाँ आने के लिए 10 सेकंड का अपने को टाइम लगा है, तो इसको जब देखेंगे तो ये 10 का स्क्वायर यानी कि 100 होएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 50, ये आ जाएगा -50g. इसकी वैल्यू हो जाएगी X3 जो है, अगर अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है X3, उसको हम लिखेंगे 0+ ½ −g × 15 का स्क्वायर. 15 का स्क्वायर अपना होता है 225 डिवाइडेड बाय 2 जी. एक काम करते हैं, इसको भी 100/2 ही लिख लेते हैं, बिकॉज रेशो ऑलराइट प्लस माइनस करना अपने लिए आसान रहेगा. नाउ H1, H2, H3 की अगर हम यह वैल्यू देखेंगे तो H1 है अपना X1, तो H1 तो ये हो गया. H2 की वैल्यू है वो आएगा आपका X2 − X1, यानी कि 100/2 − उसमें से आप माइनस कर रहे हैं ये वाला, यानी कि हो जाएगा 25/2, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा जी. सो इसकी वैल्यू बनेगी −75/2g. ये आपकी H2 की वैल्यू हो गई. नाउ H3 की जो वैल्यू आएगी, H3 वो आएगा आपका X3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसमें से आप ये X2 माइनस कर देंगे, विल बी इक्वल टू X3 − X2. X3 अपना आया है, ये है 225/2g, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, माइनस एक मिनट, ये माइनस लिया है तो यहाँ माइनस आएगा, फिर माइनस बाहर ले लिया हमने. ऑल राइट, माइनस ये करेंगे आप 100/2g, और इसकी जो वैल्यू बन जाएगी ये आ जाएगा 125/2g माइनस साइन के साथ. अब हमें इनका रेशो बताना है, तो H1:H2:H2:H3 हमें करना है. ये वैल्यू आ जाएगी −25/2g × −75/2g − 125/2g. ये आपका रेशो आ गया, 25/2g आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका रेशो आया ये हो गया आपका 1:2, ये बचा 3:5. राइट, इसको ऐसे देखेंगे तो आपका जो रेशो आ गया वो हो गया H1:H2:H2:H3 1:3:5 हो गया. यानी कि H1 और H2 का अगर हम रेशो लेंगे तो हम लिख सकते हैं H1 विल बी इक्वल टू H2/3. ये आपका पहला रेशो हो गया. H1 जो है अपना ये आया था −25/2g, और ये 75 है, तो 1:3 का रेशो है. और आप H1 को लिख सकते हैं, अगर इसको और इसको कंपेयर करने लगेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू H
3/5. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर.